श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि हम पूरा दिन प्रोडक्टिव कैसे रहें, क्या तरीके अपनाएं कि हम पूरा दिन प्रोडक्टिव रहें। तो सबसे पहली तो चीज़ ये है कि अपनी सुबह का आधा घंटा हम पहले शुरू करें। वैसे तो सुबह उठना एक डिज़ायरेबल आदत है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। कोई बात नहीं, आप अपना जो काम है या अपना जो टाइम है वो नॉर्मल टाइम से बस आधे घंटे पहले उठिए। ऐसा करने से आप उठते ही हड़बड़ी में नहीं रहेंगे, आप सुबह को फील करते हुए आराम से एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ उठ पाएंगे और दिन की अच्छी शुरुआत को आप एक प्रोडक्टिव डे बनाने में कन्वर्ट कर पाएंगे। सुबह उठकर एक बड़ा गिलास पानी पिएं और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। पानी पीना आपके बॉडी को हाइड्रेटेड रखेगा और एटलीस्ट 10 मिनट्स एक्सरसाइज करने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही होगा और आप फ्रेश फील करेंगे। इसके अलावा आप रोज़ कम से कम एक ताज़ा फल ज़रूर खाएं। एक हेल्दी प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लें, इससे आप दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे। 2 मोबाइल नंबर्स रखें। अगर सिर्फ एक चीज़ का नाम लिया जाए तो हमें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है और वो शायद मोबाइल। अगर आप सुपर प्रोडक्टिव होना चाहते हैं तो अपने पास 2 मोबाइल नंबर्स रखें, एक जो दुनिया जानती है और दूसरा जो सिर्फ मुट्ठी भर लोग जानते हैं, जैसे आपकी फैमिली हो गई, बॉस हो गए, बच्चे हो गए, बेस्ट फ्रेंड्स हो गए। और एक दूसरे नंबर को सिर्फ बात करने के लिए रखिए। बेटर हुआ कि आप इस नंबर पे मोबाइल डाटा इंटरनेट ना इनेबल करें। इस सिंपल तरीके से आप डिजिटल इरा के सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस को बहुत हद तक कंट्रोल कर पाएंगे और इन टर्न अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएंगे। फिर नो इंटरप्शन जोन क्रिएट करें और सबसे ज़रूरी काम को सबसे पहले पूरा करें। एक स्टडी के मुताबिक अगर हम अपने फुल फ्लो में कोई काम कर रहे होते हैं और बीच में हमें कोई इंटरप्ट या डिस्टर्ब कर देता है तो वापस उसी फ्लो में आने में हमें कम से कम 20 मिनट लग जाते हैं। इसलिए पूरे दिन के दौरान आप 1-2 एनआईजेड्स क्रिएट करें। एनआईजेड्स मतलब नो इंटरप्शन जोन, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ वो काम कर रहे होंगे जो आप करना चाहते हैं और ना कोई इंडिविजुअल और ना कोई डिवाइस आपको इंटरप्ट करें। फिर माइंड के साथ प्ले करें। माइंड या मन को कंट्रोल करना शायद इस दुनिया का सबसे कठिन काम है। जब अपना ज़रूरी काम कर रहे होंगे तो ये मन कहेगा, अरे ये भी तो करना था, वो भी तो करना था, एक मेल भी तो आने वाली थी, किसी ने व्हाट्सएप भी तो किया होगा, और देखते देखते ये आपका ध्यान आपके काम से हटा कर कहीं और ले जाता है। सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा। अगर इससे बच गए तो शायद किसी और प्रोडक्टिविटी टिप की ज़रूरत ही ना पड़े। पर इसे बचा कैसे जाए? माइंड को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन इसके साथ कुछ हद तक खेला तो जा सकता है। जैसे ही आपका माइंड किसी और चीज़ की तरफ आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करे, आप फौरन खुद से बोलिए, इस वक्त मेरे लिए सबसे ज़रूरी काम है और मैं इसे पूरा करके उठूँगा। और ऐसा कहने के साथ साथ आप पूरी तरह सेल्फ डिसिप्लिन रहिए कि आप कोई भी ऐसा फिजिकल एक्शन नहीं लेंगे जिससे आपका काम, मौजूदा काम डिस्टर्ब हो। जो काम आप बार बार करते हैं उन्हें स्पेसिफिक टाइम पर करें। जैसे बार बार करने वाले जैसे काम ईमेल हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप चेक करना हो गया, तो इसका एक निश्चित टाइम होना चाहिए, तो उसमें आपका कीमती समय बर्बाद होने से बच जाएगा। दिन भर इनको देखने के बजाय कुछ स्पेसिफिक टाइम, जैसे सुबह टू डू लिस्ट का पहला काम करने के बाद, ट्रैवल करते समय, लंच या डिनर के बाद का टाइम, इनके लिए रख सकते हैं। फिर नहीं कहना शुरू करें, बहुत ज़रूरी है। दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का कहना है कि सफल लोगों और सचमुच सफल लोगों के बीच यही अंतर है कि सचमुच सफल लोग लगभग हर चीज़ को ना कर देते हैं। इसलिए हर किसी के काम के फौरन तैयार मत होइए। यहाँ जेन्युइनली आपकी नीड है, ऐसे टास्क के लिए तैयार हुआ जा सकता है, लेकिन अगर कोई आपको ऐसा काम थमाता है जो खुद आसानी से कर सकता है तो आपको उसे पोलाइटली नो कह देना चाहिए। खुद को आप बेटर ऑर्गेनाइज करें। एक औसत अमेरिकी अपने जीवन का 1 साल खोई हुई चीज़ें ढूंढने में लगाता है, मतलब वो चीज़ें इधर उधर रख के भूल जाता है। भारत का औसत तो पता नहीं, पर कुछ दिन पहले ही मतलब ऐसा हुआ था कि मैं कुछ चीज़ें ढूंढ रहा था और कुछ दिन मुझे 2 घंटा लग गया था।
तो ये जो डिसिप्लिन और चीज़ों को रखने की जो जगह है अपने डॉक्यूमेंट्स को, इन सब चीज़ों को बड़े सलीके से रखना चाहिए। इसलिए सुपर प्रोडक्टिव बनना है तो इस आदत को हमें ज़रूर डेवलप करना चाहिए और गिव अप नहीं करना है किसी काम को। ये बहुत नेचुरल है कि आज आप अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ ही दिनों में आप वापस पुराने ड्राइवर पे लौट आए, जैसे पहले सब कुछ करते आ रहे थे वैसे ही करने लगे। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ये नहीं करते हैं, वो वापस अपनी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट्स करें। और आपको यही करना चाहिए, तभी आप करोड़ों अनप्रोडक्टिव लोगों की मेजोरिटी से निकलकर हज़ारों सुपर प्रोडक्टिव लोगों की माइनॉरिटी में आ सकेंगे। इसलिए प्रोडक्टिव बनने के लिए एफर्ट्स को बार बार फेल होने के बावजूद प्रयास करते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और एक आखिरी चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ और बहुत ज़रूरी भी है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और वो है कल की प्लानिंग आज रात को करने की आदत डालें कि कल क्या करना है। बहुत बार जब सुबह उठते हैं तो हमें क्लियर नहीं होता है कि अभी क्या करें, और ज़्यादातर हम आउट ऑफ हैबिट मोबाइल पे अपडेट्स देखने लगते हैं, कुछ करते हैं। आप रात को ही सोच लो कि किस वक्त क्या करना है। इस तरह से दिन की शुरुआत करना मतलब अनप्रोडक्टिविटी है, आपने को पता ही नहीं क्या करना है तो आप अनप्रोडक्टिव हैं वहाँ पे। इसलिए जब रात को सोने जाएं तो पहले डायरी या मोबाइल में सोने से पहले कल का पूरा दिन प्लान कर लें। इसमें आप कल पूरे दिन क्या क्या कब कब करना है सोच रख लीजिए और अकॉर्डिंगली टाइम को एलोकेट करें, तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। आप करके देखिए क्या फ़ायदे होते हैं। कुछ मैं एडिशनल टिप्स दे देता हूँ एक दो। कोशिश करें कि आप पीक ट्रैफिक टाइम्स को अवॉइड करें, कई बार बस 10 मिनट पहले या बाद में निकलना आपका एक घंटा बचा सकता है। अगर आप अभी भी बिजली, मोबाइल या अन्य बिल में लाइन लग के जमा कर रहे हैं तो आप समय से पीछे हैं। आप ऑनलाइन पेमेंट्स करके बहुत सा कीमती वक्त बचा सकते हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।